सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता भी, कटारिया को बिग बॉस के घर के अंदर कितना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है एल्विस आर्मी के थ्रू, और इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि बिग बॉस का पहला बॉस मीटर विनर भी कटारिया रहे। और इतना ज्यादा जो सपोर्ट मिल रहा है, ये चीज शायद बिग बॉस को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि कल अनिल कपूर भी इसी चीज को लेकर बातें करते हुए कटारिया को कहे थे कि अपने एल्विस आर्मी से बोलो कि मुझे सपोर्ट नहीं करे, अगर मैं अच्छा करता हूँ, अच्छा कंटेंट देता हूँ, तभी मुझे वो लोग मुझे सपोर्ट करे। जिसके बाद वहाँ पे कटारिया चीज को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ पे चीज को बोले हुए थे। तो अभी इसी चीज पे एल्विस यादव का भी रिप्लाई आ चुका है कि आखिर एल्विस आर्मी उनको क्यों इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही, और काफ़ी सपोर्ट जो मिल रहा है कटारिया को, उसके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा। एक तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई, एलविस आर्मी ने लठ काट रखे मां के, हम इंटरनेट कैप्चर कर रखा एलविस आर्मी ने। लास्ट टाइम बोलता है एलविस आर्मी जहाँ खड़ी हो गई भाई, सामने कोई हो सिस्टम एक तरफ हो जाता है एलविस आर्मी की ओरना भाई। कल मैं देख रहा जैसे ही वो एपिसोड स्टार्ट हो, उसके बाद ट्विटर पे ट्रेंडिंग वन और भी कई चीज मैं देख रहा था भाई, कि कमेंट भर दिए बावजूद वर्ल्ड कप के। वर्ल्ड कप अलग चल रहा है, वर्ल्ड कप का अलग मजा है, पर बिग बॉस के इधर जो ये चल रही है एलविस आर्मी की बदमाशी, इसका अलग मजा। मैं दोनों चीजों में एंजॉय कर रहा, मैंने कहा यार क्या हो रहा। फिर ट्रेंड देखा मैंने ट्विटर पे कि एलविस आर्मी सपोर्ट्स लवकेश, तो देखो हम तो ये बोल सकते हैं। देखो मैं, ये तो हो गया अपने भाईचारे वाली बात, अब मैं एक न्यूट्रल पीओवी से आपको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई सपोर्ट करो। जैसे मुझे नहीं लगता कि कटारे खराब खेल रहा है, देखो जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सब खेल रहे हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर ही मिलेगा कहीं ना कहीं। बेस्ट मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहा है घर में, और तो डेड पड़े हैं। मैंने ये बोला कि अनिल कपूर सर ने जो मेरे को खड़े होकर बोलने के लिए बोला वो मैंने बोल दिया, क्योंकि अगर मेरे मम्मी पापा देखते ना तो शायद उनको बुरा लगता अगर मैं उनकी बात नहीं मानता। तो अनिल कपूर सर मेरे बड़े हैं, तो मैंने उनकी बात रिस्पेक्ट वाली बात में। तो बाकी गाइस, यहाँ पे आप लोग इस चीज पे क्या कहना चाहते हो, इस पे आप लोग अपना कुछ ओपिनियन है तो नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। ऑल्सो गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता है पायल मलिक बिग बॉस के घर से इविक्ट हो चुकी है, तो पायल मलिक को बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद उनके तरफ से एक इंस्टा स्टोरी शेयर किया गया, जहाँ पे वो बताया कि आखिर उनको क्यों निकाला गया इतना अच्छा गेम खेलने के बाद भी। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आप सबको पता है कि मैं बाहर आ चुकी हूँ बिग बॉस हाउस से, लेकिन इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। और मुझे पता है मैं वोटिंग की वजह से बाहर नहीं आई हूँ, घर वालों की वजह से बाहर आई हूँ, कुछ मुझे घर वालों ने जो नॉमिनेट किया था उस वजह से मैं बाहर आई हूँ, अदरवाइज मैं और अच्छा खेल रही थी, और जैसी मैं थी मैं वैसी ही दिख रही थी, आप लोगों को पता है ये सब, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना हमेशा। तो बाकी गाइस, यहाँ पे आप लोग पायल मलिक को लेकर कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके लिख सकते हो। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।